हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें किसान भाइयों बहनों हम आपको नवीनतम जानकारियां आपकी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई देते रहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इस समय हम देख रहे हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण का दौर चल रहा है और इस संक्रामक बीमारी से हम सबको बचना है, अपने आस पास जो भी लोग हैं उनको बचाए रखना है। इसके लिए जो भी हमारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश हैं उनको भी मानना है। हम भी अपनाते हैं इन सभी दिशा निर्देशों को और मानते हैं, इसलिए स्टूडियो में आपके लिए आपके कार्यक्रम का निर्माण न करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने विशेषज्ञों से आपके लिए नवीनतम जानकारियाँ लेकर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे गेहूँ की बुआई और बीजों का चयन, प्रजातियों के चयन के संबंध में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी। आप मुख्य वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी में। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। किसान भाइयों नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, गेहूँ की फसल हमारी रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इससे बेहतर उत्पादन लेने के लिए हमको जलवायु, भूमि की तैयारी, भूमि का चयन विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैसी जलवायु हो हमारे गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार के लिए, भूमि कैसी हो, इसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे। किसान भाइयों, हमारी इस समय रबी की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं, और गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त समय, उपयुक्त तापक्रम और भूमि का चयन हम अगर देख कर करेंगे, सोच समझ कर करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही साथ किसान भाई हमारी मेहनत होगी। यह किसान भाइयों उपयुक्त समय है कि हम गेहूं की बुआई करें। समय से बोने वाली प्रजातियों का समय यह प्रारंभ हो चुका है। विलंब से बोने वाली प्रजातियां 15 दिसंबर तक हम बुआई कर सकते हैं और अति विलंब की दशा में हम दिसंबर अंतिम सप्ताह, अंतिम दिसंबर तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। ऐसी भूमि का हम चयन करें किसान भाइयों जहाँ बहुत ज़्यादा पानी न लगता हो, क्योंकि हम गेहूं को समय समय पर सिंचाई करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी लगने की अवस्था में गेहूं हमारा पीलापन पड़ने लगता है। और तापक्रम की बात करें तो तापक्रम हमारा उपयुक्त तापक्रम है, तो हम इन जो भी हमारी गेहूं की तैयारी करनी है, गेहूं की बुआई करनी है, खेत का चयन करना है, तो यह किसान भाइयों इस समय आपके लिए उपयुक्त है। आपने धान की कटाई कर ली होगी और धान की कटाई के बाद आपका गेहूँ का खेत खाली है। अगर आपके खेत में नमी है धान की कटाई के बाद, तो आप सीधे उसमें जो है बुआई कर सकते हैं। यदि आपके खेत में नमी नहीं है, पहले आपने कटाई कर ली है, आपने अगर पलेवा कर दिया है तो पलेवा करने के बाद जो ही ओट आने लगे उस समय आप गेहूं की बुआई करते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि खरीफ फसलों की कटाई के तुरंत बाद ही हम रबी की फसलों की तैयारी शुरू कर देते हैं। भूमि का चयन करने के बाद फिर बात आती है कि फसल अवशेष प्रबंधन बेहतर ढंग से कैसे करें हमारे किसान भाई। तो खरीफ की फसलों के जो अवशेष हैं इनको कैसे बेहतर प्रबंधन किया जाए, कैसे खेत की तैयारी की जाए बेहतर ढंग से। देखिए किसान भाई, हमारे आप लोग जो है, काफ़ी हमारे किसान भाई हैं जो हाथ के द्वारा कटाई करते हैं और कुछ किसान भाई जो है मशीन के द्वारा कटाई करते हैं। और अगर आपने धान की कटाई की है और खेत में, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर नमी है, तो आप उसमें सीधे ही गेहूँ की बुआई करें, जीरो टिल सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करें या सुपर सीडर मशीन आती है उसके द्वारा बुआई करें या हैप्पी सीडर मशीन है उसके द्वारा बुआई करें। आप सीधे उसमें बुआई कर सकते हैं। जो हमारे किसान भाई मशीन से कटवाते हैं उसमें आप सुपर सीडर या हैप्पी सीडर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन मशीनों के द्वारा आप एक तो फसल अवशेष प्रबंध भी कर सकते हैं, जो आपके पास नमी उपलब्ध है उस नमी का प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही आपकी समय की बचत होगी और आपकी लागत भी कम होती है, क्योंकि आप पलेवा किए करेंगे, पलेवा करने के बाद पुनः खेत की तैयारी करेंगे, जिसमें आपका विलम्ब भी हो जाता है, खेत आपकी बुआई विलम्ब हो जाती है। और गेहूं के ध्यान रखें किसान भाई कि विलंब से यदि हम गेहूं की खेती करते हैं तो हमारी पैदावार निश्चित कम होती है। इसलिए अगर आपके खेत में नमी है तो उस नमी का भरपूर प्रयोग करते हुए आप जीरो टिल सीड ड्रिल के माध्यम से आप गेहूं की बुआई तत्काल प्रारंभ कर दें किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, इसके बाद ही खेत की तैयारी के समय हमारे किसान भाई ध्यान रखते हैं अपनी व्यवस्थाएं, यानी बीज कहाँ से लाया जाए, खाद की मात्रा। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है खाद एवं उर्वरकों की तरफ, तो खाद एवं उर्वरक कितनी मात्रा में आवश्यक हैं जिनका प्रबंधन करें हमारे किसान भाई। गेहूं की फसल में जो खाद एवं उर्वरक की बात होती है, जो संस्तुत खाद एवं उर्वरक है किसान भाई, आप उसी का प्रयोग करें। यदि आपने अपने मिट्टी की जांच कराई है तो अगर जो उसमें जो संस्तुत बताया गया किसान भाइयों, आप उसका प्रयोग करें। आप अंधाधुंध रसायनों का, उर्वरकों का प्रयोग न करें,
वो हमारी खेती के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारी फसल के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए नुकसानदेह है। तो जो किसान भाइयों हमारी जो समय से बोनी वाली प्रजातियां हैं उसके लिए 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास, जो हमारी विलंब से बोने वाली प्रजातियां उनके लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास, साथ ही किसान भाई 30 किलो गंधक का भी प्रयोग आप करें प्रति हेक्टेयर के दर से, और गोबर की खाद का भी प्रयोग आप अवश्य अपने गेहूं की बुआई के समय करें। जो नत्रजन फास्फोरस पोटास की मात्रा मैंने आपको बताई किसान भाइयों, तो इसका 1/3 हिस्सा जो है नत्रजन, पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास आप बुआई के समय प्रयोग करें किसान भाइयों। और जो शेष बचता है नाइट्रोजन उसके 2 भाग जो है, 1/4 भाग आप जो है पहली सिंचाई के बाद आप प्रयोग करें जब खेत में नमी ओट आ जाए पहली सिंचाई के बाद, और दूसरा जो टॉप ड्रेसिंग है दूसरी सिंचाई के बाद करें। डॉक्टर साहब, इसके बाद बात आती है उन्नतशील प्रजातियों की। अच्छी प्रजातियां होंगी तभी बेहतर उत्पादन हमारे किसान भाई बहन ले सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको चयन करने की आप सलाह देंगे? किसान भाइयों जो मुख्य बात है वो है प्रजातियों का चयन। हमारे किसान भाई अधिकतर मैं देखता हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं वो प्रजातियों का चयन जो है सोच समझ कर नहीं करते। जो भी प्रजाति उनको मिल जाती है वो दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें गेहूँ बोना, वो जो प्रजाति देता है उसको लेकर चल देते हैं। किसान भाइयों ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हमारी ज़मीन कैसी है, हमारे पास पानी के कैसे साधन हैं, हम कब बोना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को देख कर ही किसान भाई आप जो है प्रजातियों का चयन करें। अब आपके पास पानी के साधन नहीं है, आप असिंचित क्षेत्र में बोना चाहते हैं किसान भाइयों, तो इसके लिए आपको K9462 है, आप इसको के कर सकते हैं, K8962 है, ये गेहूं आप असिंचित क्षेत्र के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारे किसान भाइयों के पास पानी का साधन है तो उसके लिए सिंचित क्षेत्र के लिए जो प्रजातियां हैं आप उसका चयन करें किसान भाइयों। K9107 जो चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय की प्रजाति है, देवा कहते हैं, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की NW1012 है, NW1014 है, NW5054 है, आप इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं किसान भाइयों। DBW252 है, DBW187 है, WB2 है जिसमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, PBW443 है। समय से बोने के लिए आप इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। विलंब से बोने के लिए प्रजातियां किसान भाई मालवी 234 है, उन्नत हलना जो अति विलंब की दशा में है, हमारे नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की NW1076 है, NW5054 है, तो आप इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। उसरीली क्षेत्र है, जैसे आपका उसरीली जमीन है तो उसके लिए किसान भाई आप जो है KRL 210 प्रयोग कर सकते हैं, KRL 1-4 है, तो ये इन प्रजातियों का आप चयन करके किसान भाई आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बाजार से बीज लेते हैं तो हमको शोधित बीज मिल जाता है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने बीज अपना तैयार करके रखा हुआ है पहले से, उसके बीज शोधन की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि बुआई में हमारे किसान भाई छिटकवा विधि का भी प्रयोग करते हैं, लाइन से भी फसल बोते हैं और हल के पीछे कूड़ों में भी डाल के बीज बोते हैं, तो बुआई का तरीका बेहतर कौन सा सही है वैज्ञानिक ढंग से, और कैसे इसकी बुआई की जाए? किसान भाइयों सबसे ज़रूरी है कि हम बीज की मात्रा, बीज का चयन तो हमने कर लिया, बीज की मात्रा। अगर किसान भाई आप समय से बुआई कर रहे हैं, सीड ड्रिल के द्वारा बुआई कर रहे हैं, तो आपका 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से लगेगा। किसान भाई यदि आप विलंब से बुआई कर रहे हैं तो 125 किलोग्राम बीज जो है आपका प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा। और किसान भाई यदि आप छिटकवा विधि से बुआई करें, मैं कहूँगा किसान भाइयों कि आप छिटकवा विधि से ना करें, आप जो है मशीन के द्वारा ही बुआई करें, तो आपका बीज भी कम लगेगा, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर आप छिटकवा करते हैं तो बीज की मात्रा करीब आपका 125 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक आप इसका प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। आप किसान भाइयों आती है पंक्ति से पंक्ति की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी जो है तो करीब 15 से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर करें किसान भाइयों, और गहराई जो है 5 सेंटीमीटर पर, आप कम से कम 5 सेंटीमीटर गहराई रखें जो जिससे बुआई किया जा सके। अब बात आती है बीज शोधन की, बहुत महत्वपूर्ण विषय है किसान भाई बीज शोधन। हमारे अधिकतर किसान भाई दुकान से बीज ले आते हैं और बीज शोधन नहीं, जबकि बीज शोधित होता है किसी कृषि रक्षा इकाई या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से, जो भी आप बीज लेंगे वो बीज शोधित होता है, लेकिन किसान भाई फिर भी आपको शोधन करने की आवश्यकता है। कार्बाक्सिन से आप इसका शोधन करें, आप ट्राइकोडर्मा से शोधन करें, आप जो है एजोटोबैक्टर से बीज उपचार करें, आप PSB कल्चर से बीज उपचार करें, इनके द्वारा ही आप उपचार करके ही बिजाई करें। यदि आप अपना घर का बीज प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने पिछले वर्ष का बीज तैयार किया है उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उसको भी शोधित अवश्य करें और एक बार उसका जर्मिनेशन आप चेक कर लें किसान भाई आपके उसका जर्मिनेशन, उसमें से आप ऐसे ही मुट्ठी से 100 दाने निकाल लें
और साबुदाने निकाल के उसको एक बोरे के गीले टुकड़े पर उसको फैलाकर और उसको ढककर रख दें, उसे पानी छिड़क दें, और फिर उसके बाद आप उसको 4-6 दिन बाद देखें, उसमें जमाव देख लीजिए। अगर 75 से 80% के ऊपर आपका जमाव है तो समझ लीजिए आपका गेहूं बहुत अच्छा है और आप उसकी बिजाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें किसान भाई कि बीज का चयन करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना। साथ ही आप जो भी बिजाई करें जीरो टिल सीड ड्रिल के माध्यम से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सीड ड्रिल के माध्यम से करते हैं तो भी अच्छा है, कोशिश करके आप छिटकवा विधि से बिजाई न करें। डॉक्टर साहब, सिंचाई के बाद फिर बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, तो खरपतवार प्रबंधन का बेहतर तरीका क्या होगा, रसायन से करें या फिर हाथ से अपने करें, निराई गुड़ाई करके करें, खरपतवार प्रबंधन का सही तरीका क्या है? किसान भाइयों, अब बात करते हैं जो हमारे सबसे दुश्मन हमारा खेत का है, वह खरपतवार। और अगर हम बुआई के समय ही सावधानी रखें किसान भाइयों, तो खरपतवार हमारा काफ़ी कम आएगा। अगर हम जीरो टिल सीड ड्रिल के माध्यम से किसान भाई बुआई करते हैं तो निश्चित है कि खरपतवार हमारा कम होगा, क्योंकि हमारी जो मशीन के द्वारा गेहूं की हम बुआई सीधे करते हैं, और जब हमारा गेहूं जमता है तो खरपतवार उसके बाद जमता है। तो थोड़ा सा खरपतवार जो हम पलेवा करके बुआई करते हैं उसके अनुपात में इसमें कम होता है। इसी तरह हम अगर हैप्पी सीडर या क्या नाम है कि सुपर सीडर के द्वारा हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं और जिसमें हमारा पराली पड़ा हुआ खेत में, तो इन मशीनों के द्वारा करने पर पराली वो उसमें दबा देता है खेत में पराली को, और जब हमारा गेहूं निकलता है तो गेहूं के साथ खरपतवार की मात्रा भी हमारी कम निकलती है। साथ ही किसान भाइयों, अगर हमने पिछले वर्ष गेहूं किया और बहुत ज़्यादा उसमें गेहूं का मामा या बथुआ रहा है, उसके बीज बन गए हैं, तो कोशिश करिए कि आप उस खेत में जो है इस वर्ष गेहूं की खेती ना करें, सरसों की खेती कर लें, कोई और अन्य फसल ले लें, अन्यथा फिर आपको पुनः बहुत ज़्यादा खरपतवारों से सामना करना पड़ेगा। और अगर खरपतवार आपके खेत में आते हैं किसान भाई, तो समय से आप दवाओं का छिड़काव करें, खरपतवार नाशी का छिड़काव करें। इससे हमारे खेतों में जो बथुआ आता है और गेहूं का मामा आता है, तो इसके लिए गेहूं के मामा के लिए सल्फोसल्फ्यूरान किसान दवा है, दवा जो गेहूं का मामा है जंगली जई के लिए है, जो 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से आप प्रयोग करें 500 से 600 लीटर पानी मिला के। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है, जिसको देखते हुए हमको अपने कार्यों में कोविड-19 की जो भी सावधानियां हैं उनको अपनाना है, ताकि हम सभी स्वस्थ रहें, हमारे आसपास रहने वाले सभी लोग इस संक्रामक बीमारी से बचे रहें। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे किसान भाई, क्या क्या सावधानियाँ अपनाएं अपने कार्यों को करते समय? इस समय हमारे देश में महामारी चल रही है, कोरोना कोविड-19, और हमें इससे बच के भी रहना है। और आपने पिछले धान की खेती भी की है इस सीजन में कोरोना से बच के काल में, और धान की कटाई भी की है और बच कर किया है। हमारे किसान भाइयों ने बहुत सोच समझ कर खेती किया है, तो आगे भी आपको किसान भाइयों रखना है इसको संभाल, इस ध्यान रखकर इस बात को, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। कोरोना हमारी जरा सी भी लापरवाही से हमको परेशान कर सकता है। इससे बचने किसान भाई आपको ध्यान रखना है कि आपको मास्क का प्रयोग करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको बार बार अपने हाथ धोना है। आप दुकान पर जाइए बीज लेने तो देखिए भीड़ हो तो आप थोड़ा सा दूर हट जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग पर रहिए, मास्क लगा कर जाइए। और जो भी आप हंसिया है, खुरपा है, जो भी आप मशीनरी का प्रयोग करते हैं किसान भाई, या जिन भी मजदूरों का आपको बुलाते हैं आप खेत में, तो उनको मास्क पहनाइए, और जो भी मशीनरी का प्रयोग करते हैं उसको बार बार धोते रहिए, उसको सैनिटाइज करते रहिए। इससे बचना ही किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, इसका ध्यान रखें किसान भाई, आप अपनी खेती करें, अधिक से अधिक लाभ कमाएं। तो किसान भाइयों बहनों, आपने जानकारियां तो प्राप्त की कि गेहूं की बुआई और उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिनको अपना कर आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए क्या क्या सावधानियां रखी जाएं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार,
ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समस्त किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। फसल की कटाई के बाद फसल का एक बहुत बड़ा भाग फसल अवशेष के रूप में रह जाता है, जिसका सही प्रकार से प्रबंधन अति आवश्यक है। कई बार अगली फसल के लिए समय पर खेत तैयार करने हेतु किसान इस फसल अवशेष को खेत में ही आग लगा देते हैं, जिसके कारण जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और साथ ही साथ वातावरण बहुत प्रदूषित हो जाता है। इसकी ये मनुष्य, पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के लिए भी अति हानिकारक होता है। आग लगाने से जो विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, ये वातावरण की निचली सतह पर ठहर जाती हैं और हवा के साथ बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए खेत में आग लगाए जाने पर 2500 से लेकर 15000 तक का जुर्माना तथा केस दर्ज करने का प्रावधान किया है। यदि हम इस फसल अवशेष का सही प्रकार से प्रबंधन करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के साथ साथ अपने वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचा पाते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन का सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है जो फसल अवशेष होते हैं उनको खेत में ही सड़ाकर मिट्टी में मिला देने का तरीका। ऐसा करने से मिट्टी की भौतिक दशा, इस मिट्टी की उर्वरा क्षमता तथा मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की जो कमी होती है, जो जीवांश की कमी होती है, वो पूरी होती है। डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया होती है इसको तेज करने के लिए विभिन्न बायो डिकम्पोजर का उपयोग किया जाता है, जिससे अगली फसल के लिए जो खेत है वो जल्दी तैयार किया जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तरीका है वो है विभिन्न मशीनरी उपकरणों का प्रयोग। कई प्रकार की मशीनरी फसल अवशेष के प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। किसान तथा किसान समूहों के लिए सरकार के द्वारा ये मशीनरी उचित अनुदान पर, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें जो मुख्य मशीनरी हैं वो है हैप्पी सीडर, सुपर एसएमएस, मल्चर, स्टफ कटर एंड स्प्रेडर, रिवर्सिबल प्लाउ और रोटावेटर। एसएमएस लगी कंबाइन से कटाई करने के बाद हैप्पी सीडर से बुआई की जाती है और जो हमारी पराली यानी जो क्रॉप रेसिड्यू होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस पराली का भी हम
कई चीजों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे जिसमें मुख्य है मशरूम उत्पादन, आपके पशुओं का चारा, तथा इसका उपयोग हम वर्मी कंपोस्ट और नादक कंपोस्ट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी पिछली फसल के टूट खड़े हुए हैं तो उसको बिना नष्ट किए आप अगली फसल को जीरो सीड ड्रिल मशीन से बो सकते हैं, और ऐसा करने से आपकी जो पुरानी फसल के जो अवशेष होते हैं वो बाद में मिट्टी में गल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ा देते हैं। ये विभिन्न जो तरीके हैं इनको अपनाकर हम अपने फसल अवशेष से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के साथ साथ भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तथा ऐसा करने से हम वातावरण को स्वच्छ रखने में अपनी बड़ी भागीदारी भी साबित कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हमें अब फसल अवशेष जलाने की आवश्यकता नहीं होगी और हम इसका उचित प्रकार से प्रबंधन करके लाभ प्राप्त करेंगे और अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे।